इस फाइल के अंदर मैं एडिट करूंगा मैसेजेस और उनको थोड़ा सा इन लाइन रखूंगा कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, राइट। तो ये मैसेज है कि रिक्वेस्टेड यूआरएल कुड नॉट बी रिट्रीव्ड, कुड नॉट बी रिट्रीव्ड व्हाइल ट्राइंग टू रिट्रीव यूआरएल, फॉलोइंग एरर वाज इनकाउंटर्ड, एक्सेस डिनाइड। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का एरर मैसेज भी दे सकते हैं। और ओके, एरर मैसेज भी दे सकते हैं और यहाँ पे वेब मास्टर का ईमेल भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैसेज बदलते हैं कि यू मे हैव बीन डिनाइड एक्सेस बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, यहाँ पे इसको हम ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक। नंबर वन, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इंटरनेट आउटसाइड योर अलाउड / एलोकेटेड टाइम। नंबर टू, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इन अप्रोप्रिएट वेब कॉन्टेंट बेस्ड वेब, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इन अप्रोप्रिएट वेब कॉन्टेंट विच इज डिनाइड इन लाइन विद द कंपनी पॉलिसी। और मजीद लिख देते हैं कि ये मैसेज तो नहीं समझ आएगा उनको, बीइंग अलाउड एट दिस टाइम। ये ज़रूर लिख देते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर इफ़ यू फील। सर्विस प्रोवाइडर से भी हम निकाल देते हैं मैसेज, योर एडमिनिस्ट्रेटर इफ़ यू फील दिस इज़ इनकरेक्ट। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि योर कैशियर एडमिनिस्ट्रेटर इज़ मेल टू पर्सन डब्ल्यू मेल टू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेट्स से mkazeem@isb.parknet.com.pk जो कि मेरा ईमेल है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कामरान अजीम, रादर मोहम्मद कामरान अजीम। ओके, तो हमने ये एक मैसेज, एरर मैसेज जो है वो मॉडिफाई कर लिया। और अब हम कोई साइट एक्सेस करके देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ www.sex.com। तो एरर मैसेज मेरा जो आया वो पुराना एरर मैसेज है। रीज़न, क्योंकि एरर मैसेज स्क्विड जब स्टार्ट होता है तो मेमोरी में लोड हो जाते हैं। हमें करना ये पड़ेगा कि सर्विस स्क्विड, और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, सर्विस स्क्विड रीकॉन्फ़िगर, नहीं ऑप्शन, ओके कोई बात नहीं, /user/local/squid/sbin/squid-k reconfigure, या हम सिंपली सर्विस स्क्विड रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सी इसकी वजह से कोई इसकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ा, और अब नया मैसेज आया, लेकिन थोड़ी मेरी नाअहली की वजह से वो नंबर टू जो है वो वन के आगे ही जुड़ गया। ओके, इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? ओके, वन के बाद टू को भी, वन को यहाँ पे ब्रेक, टू को भी ब्रेक, और ग्रेट। तो सर्विस क्विट रीकॉन्फ़िगर और पेज एक्सेस किया, ग्रेट। यू मे हैव बीन डिनाइड एक्सेस बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस,
नंबर वन दिस एंड नंबर टू दैट। ओके, इसको जितना मर्जी अब आपका दिल करे आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ ये दिखा देना, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बस फाइनली। बोल्ड एंड अनबोल्ड माइनस के रीकॉन्फ़िगर और रीलोड। ओके, काफ़ी है। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह हमने मैसेजेस दे दिए, और अब अगर कोई बियॉन्ड द टाइम लिमिट भी आता है उसको भी यही पेज मिलेगा। तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल पेज है। तो हमने देखा कि किस तरह हमने स्क्विड को स्टार्टअप स्क्रिप्ट बनाया और उसको उसकी एक्चुअल जगह पे प्लेस किया, उसकी वजह से हमें काफ़ी सहूलत भी हो गई। नंबर दो ये कि हमने किस तरह कस्टमाइज एरर मैसेज या कस्टमाइज अपना मर्जी का मैसेज हमने दे दिया। इसकी जगह आप कोई और वेब पेज भी दिखा सकते हैं। दूसरा जो पेज मैं एडिट करना चाह रहा था वो है एरर कैशे एक्सेस डिनाइड, और इसको हम लिख सकते हैं कि सॉरी यू आर नॉट करंटली अलाउड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस कैशे अंटिल यू हैव ऑथेंटिकेटेड योरसेल्फ। दिस मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू ब्राउज द इंटरनेट। ओके, यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर दिस प्रॉक्सी सर्वर प्लीज़। इसको यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर सच डिटेल्स। ओके ग्रेट, तो हमने इसको सेव एग्जिट कर दिया, स्क्विड को हमने रिकन्फिगर कर दिया, और अब जब कोई यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक नहीं देगा तो उसको ये पेज डिस्प्ले होगा। ओके, हमने स्टार्टअप स्टॉप स्क्रिप्ट भी देख लिया, हमने मैसेजेस को एडिट करने का तरीका भी देख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्क्विड की मज़ीद चीज़ें देखेंगे, स्क्विड को हम ऑप्टिमाइज़ करने का भी तरीका देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि अगर कुछ साइट्स को आपने बाईपास करना है, स्क्विड तक नहीं लेके जाना, तो उसका क्या तरीका होगा। शुक्रिया।